Praise the Lord. जय मसीह की। आप सब खुश हैं? और हैप्पी? कहिए अपने पास वाले से, अभी बारिश नहीं होगी, टेंशन मत ले। ओके, वाह, व्हाट अ ब्लेस्ड मॉर्निंग। और मेरा विश्वास है कि प्रभु हमसे बात करेंगे आज। आमीन। कल थोड़ा हम हड़बड़ी में थे, पैनिक हो रहे थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें कल बहुत मदद की, राइट? कितने लोगों ने कल ब्लेसिंग पाई, आशीष पाई? वेरी नाइस, धन्यवाद यीशु का। मैं आज के वचन को शुरू करने से पहले कुछ लोगों का आभार, कुछ लोगों के प्रति धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ एक वचन शेयर करूँगा। मैं सबसे पहले हमारे सीनियर पास्टर, पास्टर जेम्स राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। yes. और हमेशा ये बात याद रखिए, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों का ये साइन होता है, वे कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, और जो खाली होते हैं वो उसके विपरीत होते हैं। वो बोलते बहुत ज़्यादा हैं, सुनते बहुत कम हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सेकेंडली, उनके जो भाई साहब हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू दिनेश, आपका भी, और चर्च ऑफ गॉड के लिए भी धन्यवाद। और भाई एलन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल से बहुत, आपने मुझे प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का जो मुझे यहाँ पर ले आए। मुझे पता नहीं है एक्चुअली इस प्लेस को प्रॉपरली क्या कहते हैं, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। छापा बोलते हैं कि चंपा बोलते हैं? छापा, चंपा। चलो मैं लर्न कर लूंगा, ठीक है। मैं पहली बार, मैं कल किसी को मैंने बोला चंपा आया, तो उन्होंने बोला चंपा नाम की कोई प्लेस नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैं आया हूँ। तो फिर मुझे पता चला ये चंपा नहीं है, चंपा है, जैसे आप बोल रहे हैं। लेकिन ठीक है, जो भी है, मैं आया हूं। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप सब तैयार हैं आज के सुबह के सेशन के लिए? चलिए, आपको आज एक काम करना है। सबसे पहले आपके पास में जो बैठे हैं उन्हें एक अच्छी सी स्माइल दो, एक अच्छी सी मुस्कुराहट दो। अगर हो सके तो थोड़े दांत भी दिखाओ उसमें। अब आपको अपने पास वाले को एक छोटा सा कमेंट करना है। अब अपने पास वाले से कहिए आप अच्छे दिख रहे हो। और हाँ, बहनें बहनों को कहेंगी, भाई भाइयों को कहेंगे। कह दिया आपने? अब अपने पास वाले को यह भी कहिए, प्रभु आपके साथ है। यस, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा खुदा हमारे साथ? ओ, यही तो चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, when you read Old Testament, आपको वहां पर एक चीज दिखाई देगी कि जब इज़राइल के लोगों से गुनाह होता था, तब वो लोग बाजार से एक बलिदान खरीद कर प्रभु के मंदिर में ले आते थे, और वो जो बलिदान होता था वो याजक को दिया जाता था, और याजक पापी को बोलता था कि तू अपना हाथ बलिदान पर रख, इससे उसके गुनाह उस पे आ जाते थे।
और उसके बाद उस बलिदान को मारा जाता था। मारने के बाद उसकी चर्बी अलग की जाती थी, उसका लहू अलग किया जाता था, उसकी बाहर की स्किन अलग की जाती थी। लहू खुदा को दिया जाता था, चर्बी वेदी के सामने रखी जाती थी, और जो बाहर का हिस्सा होता था वो मंदिर के बाहर जाके फेंक दिया जाता था। आप जानते हैं पुराने नियम में प्रभु के सामने बलिदान चढ़ाया जाता था मरा हुआ, कहिए मरा हुआ। पर आप में से कितने लोगों ने यह पढ़ा, नए नियम की किताब रोमियो में पॉल कहता है अब तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने जीवित बलिदान चढ़ाओ। अब वो ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अब मरा हुआ बलिदान चढ़ाना है, वो कहता है अब तुम्हें अपने आप को परमेश्वर के सामने जीवित चढ़ाना है। बोलिए जीवित। इन ओल्ड टेस्टामेंट सैक्रिफाइस वाज डेड, पुराने नियम में बलिदान मरा हुआ होता था, पर जब आप नया नियम पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है कि अब तुम अपने आप को जीवित चढ़ाओ। अब मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं मैं प्रभु से पूछ रहा था प्रभु जीवित कैसे चढ़ाएं, ये जीवित बलिदान क्या होता है? जानते हो परमेश्वर की नजर में कौन से लोग जीवित बलिदान हैं, जो जिंदा भी हैं पर बलिदान भी हुए। पुराने नियम का बलिदान मरने के बाद होता था, नए नियम का बलिदान जिंदा बलिदान है। आपको पता है अगर आप पुराने नियम में मर गए तो आप बलिदान हो गए, लेकिन नए नियम में अगर आप जीवित हो तो बलिदान हो। दिस इज अमेजिंग, ये बड़ी खूबसूरत बात है। कितने लोगों ने यह बात समझी है कभी? पुराने नियम का बलिदान तब तक नहीं चढ़ाया जा सकता जब तक वो मर ना जाए, और नए नियम का बलिदान तब तक नहीं चढ़ाया जा सकता जब तक वो जीवित नहीं है। अब मुझे बताइए जीवित कैसे रहा जाता है? अपने आप को जीवित पवित्र निर्दोष बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही सच्ची आराधना है। एक दिन मैं प्रभु से पूछ रहा था प्रभु ये बड़ी अजीब बात है, पुराने नियम में बलिदान मारा जाता था चढ़ाया जाता था, नए नियम का बलिदान जीवित है तो ही बलिदान है। लिसन टू मी, कैसे हम अपने आप को जीवित रख सकते हैं हर दिन? परमेश्वर को नए नियम में मरा हुआ बलिदान नहीं चाहिए, एक जीवित बलिदान चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक व्यक्ति जीवित कैसे रहता है। मती 4:4 में लिखा है, यहां देखिए, बाइबल मत खोलिए, मैं आपसे बाद में खुलवाऊंगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन के द्वारा जिएगा। आप जानते हैं नए नियम में बलिदान कौन है? वो लोग जो हर दिन परमेश्वर को सुनते हैं। They are the people who lives before God. अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रतिदिन अपना समय निकालते हैं, हर दिन अपने कमरे में जाते हैं और परमेश्वर को सुनने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप परमेश्वर के सामने जीवित रहेंगे। This is a living sacrifice. आज बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रभु का जनरल वर्ड सुनते हैं, यू नो जनरल वर्ड, यहां से जो वर्ड आता है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो कमरों में जाके उसका पर्सनल वर्ड सुनते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड पर्सनल। यहां से हर कोई सुनता है, ये एक आम वचन है जो हर एक को खुदा कहता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यहां से नहीं आती है। वो तब आएंगी जब आप अपना समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे जाके। मेरे कलीसिया में एक भाई आते हैं, उन्होंने एक बार मैं प्रचार कर रहा था, उन्होंने पूरा प्रचार सुना। उन्होंने कहा ब्रदर मेरे साथ एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोला ब्रदर आपने कहा कि हमें हर दिन वचन पढ़ना है, लेकिन मैं बचपन से अनपढ़ हूं, मैं चाहता हूं पढ़ना लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूं क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है।
हमारे दिनों में, उन दिनों में एजुकेशन को, पढ़ाई को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। माँ बाप ने जल्दी मुझे निकाल के खेत में बेच दिया। मैंने कहा ओके, आपके लिए भी सॉल्यूशन है। बोला क्या सॉल्यूशन है? मैंने कहा पढ़ नहीं सकते हो ना? हाँ। मैंने कहा सुन तो सकते हो? बोला वो कैसे? मैंने बोला आपके मोबाइल में एक ऐप होता है जिसका नाम होता है प्ले स्टोर। बोला हाँ वो है। मैंने कहा वहां पर जाओ और ऑडियो बाइबल डाउनलोड करो, सुनने वाली बाइबल। उन लोगों ने कर दी। आपको मैं बताना चाहता हूं, हर दिन अब वो भाई मोबाइल चला के पूरी बाइबल सुनता रहता है। जो पढ़ नहीं सकता वो सुन तो सकता है, और कभी कभी वो मुझसे आके ऐसी ऐसी बातें करता है कि मुझे जलन होती है कि प्रभु मुझे क्यों नहीं बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बात पढ़ाई और लिखाई की नहीं है, बात है भूख और प्यास की। आप जानते हो पहले के दिनों में लोगों के पास बाइबल नहीं होती थी। प्रिंटिंग प्रेस को आए हुए सिर्फ 500 साल हुए हैं, तो फिर 1500 साल लोग पहले कैसे जी रहे थे? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर को सुनने के कारण जिएंगे। वो खुदा को सुनते थे। एक बाइबल ऐसी है जो आप हाथ में कैरी कर सकते हो, एक बाइबल ऐसी है जो अंदर है, पवित्र आत्मा, वो आपसे बात कर सकता है अगर आपके पास समय हो तो। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, आप कोई भी हैं, वैसे मैं भी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, डोंट वरी। हां, मैंने बचपन से अच्छे मैनर्स सीखे, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे गुण दिए, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। मैं कभी भी किसी बुजुर्ग से खड़े होके प्रेज द लॉर्ड नहीं करता, उनको खड़े होके जय मसीह नहीं करता। मुझे बाइबल ने यह सिखाया है कि अगर तेरे बीच कोई पके बाल वाला व्यक्ति आए तो उठकर खड़ा हो जा और इस तरह उन्हें दिखा कि तू अपने परमेश्वर का भय मानता है। सो, मुझे लगता है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोगों में से जो भी लोग यहां पर हैं, खूब पढ़िए ताकि आपको अच्छी नौकरी मिले, आप अपने घर के अच्छे प्रबंधक बन पाए, खूब पढ़िए। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा, पढ़ने लिखने से भी इंपॉर्टेंट है हमारे मैनर्स। बोलिए मैनर्स। हाँ, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, संस्कार। या संस्कार इज अ राइट वर्ड, संस्कार। आपने पढ़े लिखे गवार देखे? पढ़े लिखे गवार भी होते। आपने क्या पढ़ा है? मैंने TY बीकॉम पूरा किया। आपने? मैं CA है। आप? मैं CS है। आप? मैं डेंटिस्ट है। आप? मैं मेडिकल किया। ये आप विश्वास कीजिए, कोई इनके सामने बैठता है ना, ये लोग पानी भी नहीं पूछेंगे। इन्हें कहा जाता है पढ़ा लिखा गवार। हमारी मुंबई में आपको बहुत मिल जाएंगे। आइए, कल ही मिलाता हूं, आइए। बहुत लोग हैं पढ़े लिखे हैं, सर पे चढ़े हुए लोग, वो किसी से बात तक नहीं करते। ऐसे कई अपने बाजू वाले से ऐसे नहीं बनना। और हमारे मसीह के अंदर भी बहुत ओवर स्पिरिचुअल लोग भी हैं। बोलो ओवर स्पिरिचुअल। हाँ, बोलो ज्यादा आत्मिक। इनको लगता है किसी को जय मसीह बोल दिया तो अभिषेक चला जाएगा। जो ऐसी सोच का व्यक्ति है, भैया जाएगा नहीं, ऑलरेडी चला गया। हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज्यादा आत्मिक हैं। इसीलिए पॉल कहता है लिखी हुई बातों से आगे मत बढ़ो, जितना हमें समझाया गया है उतना ही करो, राइट? तो बाइबल बताती है परमेश्वर को सुनने के कारण मनुष्य जीता है। मैं क्यों आज के वचन को शुरू करने से पहले आपको ये बातें बता रहा हूं? क्योंकि मैं विश्वास करता हूं आज जो परमेश्वर आपको बताएंगे
अगर उसको आपने सुना आप जिएंगे। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? पक्का 10-15 लोग तो हैं। क्या आप सब तैयार हैं? देखो अभी तैयार हुए। और किसी को नींद आती है तो प्लीज पीछे जाके बैठ जाओ, मेरे को डिस्करेज मत करो। अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग है ना फर्स्ट रो में आके बैठ के ऐसे करते हैं बार बार वेटिंग सुनते सुनते। प्रचारक डिस्करेज हो जाता है, यार मैं किसको सुना रहा हूं ये तो सो रहा है। इसीलिए मैंने एक ट्रिक निकाली, मैंने कहा मैं मीटिंग के बीच बीच में हर एक को बोलूंगा बाजू वाले से बात करो जैसे ये सो ना जाए। चलिए नहीं नहीं यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं तो बॉम्बे के लोगों की बात कर रहा हूं, यहाँ के लोग तो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप बारिश में कोई बैठ रहा है तो आप समझिए ना वो कैसे लोग होंगे। आइए अपने लिए ताली बजाइए। ओके हम शुरू करें, रेडी? चलिए मेरे साथ खोलिए, ओपन विथ मी द बुक ऑफ, मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब। ओपन विथ मी द बुक ऑफ हीब्रूस, इब्रानियों की किताब, और आज की सुबह हम खोलेंगे 10वां अध्याय, चैप्टर 10। इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी बाइबल को वहीं पर छोड़ के सामने देखिए, आइए सामने देखिए। सुनिए, एक चीज जिससे मैंने नफरत करना सीखी है खुदा के द्वारा, आपने हमेशा सीखा होगा प्यार करना है, पर मुझे खुदा ने कुछ चीज अभी सिखाई है। अगर आपको लगता है कि हर नफरत शैतान की तरफ से आती है तो आई थिंक आपको कुछ और भी लर्न करना है। पुराने नियम में प्रभु कहता है शैतान को, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। हु इज द क्रिएटर ऑफ बैर? परमेश्वर। हमें लगता है कि हर वो नेगेटिव थिंग जो नेगेटिव लगती है वो शैतान की तरफ से आती है। अगर आप में से कोई भी बहन को अगर आज आवाज आए कि अपने बेटे को मार दे तो आप शैतान को गालियां देना शुरू कर देंगे, ओ मुझसे दूर हो जा। बट थैंक गॉड पीपल लाइक इब्राहिम जो परमेश्वर की आवाज को सुनना जानते थे, वो जानता था कि बेटा शैतान नहीं खुदा मांग रहा है। हमें से जितने भी लोग यहां हैं आज, मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज से मैंने नफरत करना सीखी है। जानते हो वो चीज क्या है? वो है चिंता। बोलिए चिंता। आपको उससे नफरत करनी है, ये आपके पास नहीं होनी चाहिए। आप वो व्यक्ति होने चाहिए जो हमेशा हियाव से भरे हुए रहे। आमेन। यू मस्ट फिल्ड विथ करेज।
आपके अंदर करेज होनी चाहिए। करेज का मतलब समझते, जो होता है होने दो, देख लेंगे, क्योंकि परमेश्वर है। हमारी करेज हमारे पैसों के दम पे नहीं होनी चाहिए, हमारी करेज जिन लोगों को हम जानते हैं उनके बल पे नहीं होनी चाहिए, हमारी करेज इस बात पे होनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गॉड विल बी योर करेज। जैसे अगर यहां पर शिट पड़ी हो, यहां पर अगर टॉयलेट पड़ा हो, तो हम में से यहां कोई नहीं बैठेगा, सब कहेंगे इसको साफ करवाओ, फिर हम बैठेंगे, क्योंकि आपको पसंद नहीं है। वी आर ह्यूमंस, हम जानवर नहीं है जो हमेशा गंदगी में बैठ सकते हैं, हमें बैठने के लिए साफ सुथरी जगह चाहिए रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको उसी तरह चिंता से नफरत होनी चाहिए, क्योंकि चिंता परमेश्वर की तरफ से नहीं आती। शैतान का एक टूल है आपको चिंता देना, क्योंकि वो जानता है चिंता व्यक्ति को कमजोर करती है। मैंने किसी व्यक्ति को नहीं देखा है जो चिंता में है और वो लोगों से अच्छे से चल पाए, उसका बिहेवियर चिंता के कारण बड़ा कठोर होता है। एक दिन मैं एक बीमार व्यक्ति से मिला, उसको यहां पर ट्यूमर था। मैंने उससे कहा, क्या मैं आपके लिए प्रेयर करूं कि आपको प्रभु चंगाई दे? बोला नहीं। मैंने बोला, आप ठीक नहीं होना चाहते? बोला, मैं ठीक होना चाहता हूं, लेकिन मुझे है ना, ये जो बीमारी है ना, मुझे परमेश्वर ने दी है ताकि मैं नम्र बन पाऊं। मैंने आज तक किसी बीमार को नम्र होते हुए नहीं देखा। नेवर सीन इन माई लाइफ कि कोई बीमार हुआ हो और वो कहे, नहीं नहीं मैं और नम्र हो जाऊंगा। मैंने उस भाई से एक बात पूछी, मैंने कहा, ब्रदर आप कहते हो कि मुझे नम्र होना है इसीलिए मुझे बीमार रहने दीजिए। मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा, आपने कभी किसी बीमार को नम्र होते देखा है? अगर परमेश्वर आपको बीमारियां देने के द्वारा बदलेगा, तो मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर का अनुग्रह क्या करेगा? परमेश्वर को आपको बदलने के लिए बीमार करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको अपने अनुग्रह के द्वारा बदलना जानता है। सो डोंट बिलीव इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से नहीं बदल सकता। तीतुस में लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के उद्धार का कारण है। जब अनुग्रह आता है तब छुटकारा आता है, आजादी आती है, बदलाव आता है। तो फिर आप बीमारी में क्यों एंजॉय कर रहे हैं? आप इस मेंटालिटी से बाहर आइए। अब कुछ लोग सोचते हैं, ब्रदर पॉल भी तो बीमार था। बिल्कुल बीमार था, उसने प्रभु से प्रार्थना की, बड़े चंगा कर। वो ये नहीं कहता है, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे बीमारी दी। नो, उल्टा वो कहता है, शैतान का दूत मुझे मार रहा है। परमेश्वर का दूत नहीं लिखा है वहां पर। कई लोगों को जब कैंसर हो जाती है, एचआईवी हो जाती है, कोविड हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, प्रेयर तक नहीं करते। नहीं नहीं ये प्रभु की मर्जी है। अगर परमेश्वर आपको बीमार ही रखना चाहता तो यीशु ने आपको आपकी चंगाई के लिए कोड़े क्यों खाए? ही नोस कि आप बीमार पड़ोगे, इसीलिए उसे कोड़े खाए, ताकि आप बीमारी के समय उसे पुकारो और वो आपको चंगाई दे। कई अपने पास वाले से बीमारी खुदा की तरफ से नहीं आती। अय्यूब को किसने बीमार किया? प्रभु ने कि शैतान ने? शैतान ने। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कुछ चीजें। चिंता से नफरत करना सीखिए। आपके हिस्से में चिंता नहीं है, आपके हिस्से में प्रभु ने शांति रखी है, आपके हिस्से में प्रभु ने आनंद रखा है, आपके हिस्से में परमेश्वर ने बढ़ोतरी रखी है। यस,
आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? शुरू करें? चलिए। अब शैतान एक तरफ से चिंता देता है, तो देखिए अब परमेश्वर ने हमारे लिए एक अमेजिंग वे निकाला है कि हम कैसे हर दिन बगैर चिंता के जिंदगी जी सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इब्रानियों 10 अध्याय का 37 से 37 से। यहां लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से ये रास्ता है। और अगर वह पीछे हटे तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब जितने भी लोग यहां बैठे हैं सब सामने देखिए, आप बाइबल छोड़ दीजिए, नोट्स आप बाद में बनाइएगा, घर जाके आराम से 50-60 पेज भले लिख देना, ओके। अब यहां पर देखिए, कैच कीजिए, रिसीव कीजिए। कभी कभी एक चीज को लिखने के पीछे कुछ दूसरा आता है जो आपसे मिस हो जाता है। प्लीज इसको सुनिए और नोट्स भले आराम से बनाइए, बाद में सुनिए। आप में से हर एक को विश्वास से जीना सीखना है। मैं 18 साल से मसीह में हूं, 4.5 साल से मैं पास्टर हूं, 8 साल से मैं मिनिस्ट्री में हूं। मैं आज तक विश्वास से जीना सीख रहा हूं। मैं आपको कभी नहीं कह सकता कि मैंने विश्वास से जीना सीख लिया है। मैं आज तक लर्न करता हूं। कल इस पंडाल में बारिश पड़ी, हमें आपका नहीं पता, लेकिन हम जो सेवक यहां पर थे हमारी हालत खराब हो रही थी। प्रभु हमारा गवाह है, हम सब दुआ कर रहे थे कि प्रभु मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, बारिश हो रही है, हम बड़ी उम्मीद से यहां जमा हुए हैं। आप जानते हैं हमें उस टाइम पे किस चीज की जरूरत थी? विश्वास की। आप में से हर एक को मैं बताना चाहता हूं, जो आप रोटी चावल सब्जी अचार आप जितना भी खाते हो, आपको सबसे ज्यादा खाने की नहीं, आपको सबसे ज्यादा विश्वास की जरूरत है। क्योंकि अगर आप विश्वास में रहेंगे तो आप शांति में रहेंगे, अगर आप शांति में रहेंगे तो आप अपना खाना खा पाएंगे। यहां पर कितने लोग हैं मुझे सच बताइए, टेंशन में आपको खाना अच्छा नहीं लगता? पहला मैं हूं यहां पर, आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ उठाया। देखिए हम लोग टेंशन में अपना खाना एंजॉय नहीं कर पाते, हम अपना मील एंजॉय नहीं कर पाते। एक दिन मैं बहुत टेंशन में था, मेरा दोस्त मुर्ग मसल्लम लेके आया था एक बहुत बड़ी होटल से, जहां तक मैं जानता हूं 2.5 से 3 हजार की डिश थी वो। बोला, सूरज भाई आपके लिए मुर्ग मसल्लम लेके आया हूं। और मैं परेशान बैठा था, मैंने कहा रख दे, और उन्होंने थोड़ा निकाल के दिया। आप विश्वास कीजिए, मजा नहीं आ रहा था खाने में। क्यों? क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा था, दिमाग में डर समाया हुआ था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके परिणाम क्या होंगे, अगर ऐसा हुआ तो परिणाम क्या होंगे। आप जानते हो जिन लोगों में विश्वास नहीं होता वो अपना खाना भी इंजॉय नहीं कर पाते। इसीलिए हन्ना, आप देखिए, वो खाना नहीं खाती थी टेंशन में, इसीलिए उसका पति आके उसको बोलता था, हन्ना खाना खा, वो खाना ही नहीं खाती थी। आप में से हर एक को, आपने देखा है हम कितना सोचते रहते हैं, अभी भी देखो आप में से कुछ लोग सोचते रहेंगे, इस मीटिंग में भी आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, समथिंग। भले ही आपकी आंखें मुझे देख रही हैं, पर हो सकता है यहां बैठे बैठे भी आप उसी बात के बारे में सोच रहे हैं जो बात आपको सारा दिन परेशान करती रहती है। एक दिन हमारे चर्च के मीटिंग में एक आंटी मुझसे मिलने आई, मुझे उन्होंने कहा मेरे लिए प्रेयर कीजिए। मैंने कहा हाँ आंटी, हम जरूर प्रेयर करेंगे, एक सवाल है आपसे। उन्होंने बोला हाँ भैया पूछो। मैंने कहा आज का वचन सुना? हाँ। मैंने कहा कैसा था? अरे
मैंने उसके बाद बोला, मुझे बताओ मैंने क्या बताया। जबरदस्त था। नहीं 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 नहीं, वो तो मैं भी जानता हूं कि प्रभु का हर वचन जबरदस्ती होता है। मैं पूछना चाहता हूं मैंने क्या बताया, बता रही हूं। मीटिंग मस्त थी भैया। अरे नहीं नहीं, मेरी बहन, मेरी चांद से आई हुई बहन, मैं पूछ रहा हूं मैंने क्या बताया। कुछ याद नहीं है। सब आमीन बोल रहे थे साथ साथ में, वो भी आमीन बोलती रहती थी। सब हालेलुया बोलते थे, वो भी हालेलुया बोलती रहती थी। बहुत लोग हैं, विश्वास कीजिए, वो मीटिंग नहीं सुनते। इसीलिए खुदा कहता है प्रकाशित वाक्य में, जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु कान तो सबके पास होते हैं, हाँ, पर सुनते सब थोड़ी हैं। कान तो सबके पास होते हैं लेकिन सब सुनते थोड़ी हैं। हमारे पास देखिए, किसके पास छोटे कान है, किसके पास बड़े कान है, किसके पास हाथी जितने भी कान है, लेकिन सब सुनते थोड़ी हैं। कई बार हम प्रचारक को देखते हैं पर जो वो कह रहा है उसको नहीं सुनते। इसीलिए जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। एक दिन यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, एक बहन खड़े होकर कहती है, धन्य है वो गर्भ जिससे तू जन्मा और धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे। और यीशु मसीह उसकी इस बात को सुन के कहता है, हां धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु वो क्या बोल रही है, आप क्या बोल रहे हो? वो आपको प्रेस कर रही है कि हां तू आशीषित है, तू ब्लेस्ड है, तू धन्य है, तू मुबारक है। लेकिन आप कह रहे हो, हां धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। मैंने कहा, प्रभु वो क्या कह रही है, आप क्या कह रहे हो? आप जानते हो प्रभु उसको क्या कह रहा था? मेरी बहन, तू मुझे देख रही है लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं सुन रही। अंडरस्टैंड, ये सिर्फ इस मीटिंग की बात नहीं है कि मैं आपको यहां पर पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से जाने के बाद जब आप अपने रविवार के चर्च में जाते हैं और अपने लोकल पास्टर को भी आप सुनते हैं, तो क्या आप उसे ध्यान से सुनते हैं? डोंट बिलीव कि एक बाहर से प्रचारक आया कि प्रभु उसके द्वारा ही बात करेगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर हर रविवार आपको अपने परमेश्वर अपने पास्टर के थ्रू बात करता है। ये गलत मेंटालिटी है कि लोग बाहर से आएंगे, पास प्रेमानी आए हुए हैं, ओ चलो आज अच्छी मीटिंग होगी। नहीं, ऐसी सोच मत रखिए। आप कहां पर भी जब रविवार को भी अपने कलीसिया में जाते हैं, विश्वास से जाइए कि प्रभु आज भी मुझसे बात करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं आपको आज भी कहता हूं, सुनिए, आपको किसी से काउंसलिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ प्रभु का वचन ध्यान से सुनो। आपको किसी से भी काउंसलिंग, ओ ब्रदर आइए मुझे समझाइए मैं क्या करूं, बाइबल बताती है उन दिनों में तुम्हें किसी से न पूछना पड़ेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है। छोटे से लेके बड़े तक सब जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने हर एक को पवित्र आत्मा दिया है, हर एक को। He is your personal guide. हम वो नहीं हैं। आपने देखा पुराने नियम के अंदर किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं होता था, नबियों के पास होता था। लोग उनसे पूछने जाते थे, क्या हम लड़ाई करने के लिए जाएं? वो हां कहते थे तो लड़ाई चलती थी। अब वो पैटर्न खत्म हो चुका है। अब परमेश्वर ने अपने हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा दिया है। इट्स फिनिश्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पास्टर से हेल्प नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, सुनना सीखिए। कई अपने पास वाले को ध्यान दो। हां बोलो, ध्यान दो। प्रभु जानता था सुनना बहुत बड़ा इशू है। बहुत लोग नहीं सुनते हैं, वो देखते हैं, बैठे रहेंगे, सब कुछ यहां वहां देखते रहेंगे। वो बच्चा उठा, वो आंटी उठी, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और कुछ कुछ लोग तो जब चर्च में आते हैं ना,
कंटिन्यू उसी व्यक्ति को देखते हैं जो व्यक्ति उनको अच्छा नहीं लगता। कंटिन्यू एक तो वो अच्छा लगता नहीं है, उस पर ध्यान भी दे रहे हो। एक भाई हमेशा चर्च में आके मुझे शिकायत करता था, इसको समझाओ, इसको समझाओ, इसको समझाओ। मैंने उसको बोला, तू वचन सुनने आता है, उसको देखने आता है, ध्यान जाता है ना। हु इज योर फोकस? अभी मैं यहां पर आया हुआ हूं तो मैं क्या बस वहीं पर देखता रहूं? चर्च के अंदर हर व्यक्ति आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलेगा, हर व्यक्ति आपको जय मसीह नहीं बोलेगा। बोलो अपने बाजू वाले को, कुछ टेढ़े लोग हर जगह होते हैं। हाँ बोलो, यीशु के ग्रुप में भी एक टेढ़ा था ना, चोरी करता था ना वो। एक प्रभु के दास ने कहा, हर चर्च के अंदर कुछ टेढ़े लोग होते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा सीधे भी बहुत सारे होते हैं, उन पे ध्यान दो। हम लोग चर्च के अंदर यही चीजें देखने के लिए जाते हैं, ओ वो क्या कर रहा है, देखो वो जो लड़की आई है ना उसने अपने बाल खोल के रखे हैं, वो दुपट्टा पहन के नहीं आती है। और मेरी बहन, तू जो दुपट्टा पहन के बुराइयां कर रही है उसका, बोलो बोलो। बहुत सारी बहनें यहां तक मदर टेरेसा की तरह यहां तक दुपट्टा पहनती हैं, लेकिन जैसे मीटिंग के बाद यहां से निकलेंगी अपनी सहेली के साथ, क्या हुआ? खाने में नमक ज्यादा था। हाँ था तो सही, ऐसे थोड़ी करते, आपको इतनी प्रॉब्लम में खाना छोड़ देते, बाहर जाके खाते। एक निवाले पे पता चल गया था ना नमक ज्यादा है, फिर पूरा खाना क्यों खाया? कहिए, सिर्फ बहनें कहेंगी, भाई लोग तुम दो मिनट चुप रहो। आइए बहनें एक दूसरे से कहें, कहिए बुराई मत कर। अपनी अपनी सहेली को बोलिए, यहां की बात वहां मत कर। हाँ बोलिए अपने बाजू वाले को, आज तक मत बन। ईमेल कितनी भी तरक्की कर ले, फीमेल से कभी आगे नहीं जा सकता। हमारी बहनें बहुत प्यारी हैं, उनको एक खबर दो पूरे चापा में पांच मिनट में इतना नेटवर्क जबरदस्त है, हजारों लोगों तक। अरे क्या हुआ, 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 कुछ नहीं ये। और कुछ बहनें तो हमारी इतनी प्यारी होती हैं, सब कुछ पता रहेगा फिर भी जाके उसके घर में जाएंगी, क्या हुआ? नहीं दीदी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो आपकी लड़की कल आई हुई है, दो तीन दिन से मैं देख रही हूं आपके पास ही रह रही है, सब ठीक है? आपको अच्छे से पता है कि उनके दामाद का झगड़ा हुआ है और वो झगड़ा करके आई हुई है। हम लोग लोगों को कितना एम्बेरस फील करवाते, क्यों पूछते हैं आप किसके घर के बारे में? आपका काम है आपकी लड़की वापस आए और आपसे कोई बार बार पूछे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। कभी कभी किसी का एंगेजमेंट ब्रेक हो जाता है और आपको पता था कि इनकी शादी होने वाली थी और आपको पता है कि एंगेजमेंट ब्रेक हो, और आपको पता है ये कौन सी बहनें करती हैं? कई ये बहनें, कई ये वो बहनें जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, फारिक बैठी रहती है ना, तो बेचारों का एक दूसरे के घरों को बिगाड़ते। कभी ऐसे मत कीजिए मेरी बहन, आप मसीह हैं, ये चीजें आपको सूट नहीं करती। जब भी किसके घर में जा रहे हैं, ओ उन्हें उत्साहित करके आइए, खुदा आपके साथ है। आमीन। और भाइयों आपकी बारी,
भाइयों अपने अपने बाजू वाले भाई से कहो, बाहर का गुस्सा घर पे मत निकाल। बहुत सारे भाई लोग हैं ना, ऐसे घर पे आएंगे ना, उनकी शक्ल देखो, सड़ा हुआ सा बाहर से आएगा टमाटर की तरह। वो सड़े हुए टमाटर होते हैं ना, जो बाद में वो सब्जी मंडी वाले बाजू में रख देते हैं कि जिसको चाहिए सस्ते में ले जाओ। बाहर से हंसता हुआ आएगा, लेकिन घर में जैसे ही आएगा, ऐसे क्यों करते हैं आप लोग? कितने लोग घर के अंदर खुशी खुशी आते, एक भी हाथ नहीं उठा रहा। कितने लोग घर पे खुशी खुशी आते? मैं मुंबई में एक घर में गया, वहां पर घर के बाहर एक पायदान लगा हुआ था, कारपेट। मुझे बहुत अच्छा लगा, कारपेट पे कुछ लिखा हुआ था। जब मैं वहां पर खड़ा हुआ, मैंने फोटो निकाला, वो फोटो मेरे पास आज भी है उस कारपेट का। उस कारपेट पे लिखा था, घर आने से पहले कृपया जूते और गमंड बाहर उतार के आए। लिखा खूबसूरत यार। कभी कभी ऐसी चीजें होती है ना जो बहुत खुशी वाली होती है। मैं एक दिन एक चर्च में गया, वहां पर एक बोर्ड लगा था, कुछ अच्छा न लगे तो हमें बताइए, कुछ अच्छा लगे तो सबको बताइए, है ना? अगर आपके चर्च के अंदर कुछ आपको बुरा लगे तो हमें बताइए, कुछ अच्छा लगे तो सबको बताइए। ये होना चाहिए ना। हम लोग कलीसिया में आते हैं, कई बार वचन नहीं सुनते, बहुत सारी नेगेटिव चीजों को देखकर फिर हम बाहर जाके बताते, ओ ये चर्च ऐसी है, ओ यहां के लोग ऐसे हैं। आप ये सीखने आए थे? आप ये लर्न करने आए थे? हर चर्च में कुछ ना कुछ लोग रहते हैं टेढ़े मेढ़े। कितनी कलीसियाएं बदलेंगे हम? कितने चर्चेस चेंज करोगे? क्या लगता है आपको, जिस चर्च में अभी जाने वाले हो वहां पर स्वर्गदूत मिलेंगे? कुछ भूत जरूर मिलेंगे? या 100% बी मैच्योर, अनुभवी बनिए, अपने काम से काम रखना जानिए। मैं हमेशा कहता हूं, चर्च एक वजह से छोड़नी चाहिए, जब आपकी चर्च आपको वचन न दे। इफ अ चर्च नेवर डिलीवर यू अ वर्ड, अगर कलीसिया में वचन नहीं है, सिर्फ यहां वहां की बातें, सिर्फ पैसा प्रचार किया जा रहा है, मैं आपको कहता हूं लीव दिस चर्च, कोई जरूरत नहीं है वहां पर रहने की। लेकिन अगर एक चर्च वचन देती है लेकिन वहां पर जो लोग हैं वो ठीक नहीं है, आपको वो चर्च कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर जगह पे कुछ ऐसे लोग होते। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, सुनिए। इब्रानियों में लिखा गया है कि हमें विश्वास से जीना है। कहिए विश्वास से। हाँ, विश्वास से जीना क्या होता है मैं आपको आज समझाना चाहता हूं, और मेरा मेरी उम्मीद है, मेरा भरोसा है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत आज क्लियर हो जाएगा। आमीन। सुनिए, यहां लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। चलो इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो। अगर विश्वास से हम जिएंगे, इसका उल्टा करो, अगर विश्वास नहीं होगा तो वो मरेगा। कौन मारेगा उसे? उसे मारेगा उसके खुद के ख्याल, his own thoughts। मैं आपको सच कहता हूं, कोई आपको इतना परेशान नहीं करता जितना आपको आपकी नकारात्मक सोच परेशान करती है। शैतान को छोड़ दो, बाजू में रखो। कई लोगों को लगता है कि शैतान मुझे टॉर्चर कर रहा है। नहीं ब्रदर, आप नेगेटिव हो। लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिए। जब हम प्रभु में आते हैं, दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर से निकल जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो निकल गई हैं, पर अपनी नकारात्मक सोच वो आप में छोड़ के गई हैं। इसीलिए पॉल कहता है, तुम्हारे मन को तुम्हारा नया होना जरूरी है। एक व्यक्ति जो एक घर में रह रहा है, और वो घर आपका है, और आप उसे कह रहे हो मेरा घर खाली कर दे,
आप लैंडलॉर्ड हैं, आप उसको कहते हैं मेरा घर खाली कर दे, ओके। लेकिन आप ये बात देख रहे हो कि जब वो खाली करने के लिए जा रहा था तो वो अपने कुछ सामान छोड़ के गया। दुष्ट आत्माएं जो इस घर में रहती थी पहले, ओ हम तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे, व्यभिचारी थे, बहुत सारे बुरे कामों में थे, लेकिन जब हम खुदा में आते हैं, खुदा हमारे अंदर आता है तो इन सारी गंदी आत्माओं को निकलना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट आत्मा निकल गई है पर वो अपनी कुछ चीजें आप में छोड़ के गई है, वो है उसकी सोच। उस सोच को कैसे निकालें, वो जो चिंता जो नेगेटिव है। इसीलिए पौलुस कहता है तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारी जिंदगियां बदलेंगी। हमें अपने मन को हर दिन नया करना है। सुनिए, विश्वास से जीना क्या होता है। अंकल आंटी भाई बहन, ये आज सीख लो, आने वाले दिन तुम्हारे शांति से भरे हुए होंगे, आनंद से भरे हुए होंगे। आप लोगों से बहुत ही जेंटल वे से चल पाएंगे, कोमलता से। आप रूड, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में जवाब देना, आप इन सारी बातों से निकल आओगे। फिलिप्पियों में लिखा है ना, तुम्हारी कोमलता सब पे प्रकट हो, योर जेंटलनेस जो है वो तुम पे सब पे रिवील हो। आप कोमल हो जाओगे अगर आपने आज की बातें समझ ली तो। एक दिन वचन कहता है, परमेश्वर मूसा को कहता है, मेरे लोग गुलामी में हैं और तू उन्हें लेने के लिए जा और उनको वहां से छुड़ा कर लेकर आ। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे ये बोझ दिया, प्रभु ने उसे ये काम दिया, और वचन कहता है मूसा परमेश्वर के कहने पर उस पहाड़ से नीचे उतरा और मिस्र की तरफ रवाना हुआ। और जैसे ही वो वहां पर गया, वो वहां पर फिरौन बादशाह को कहता है मेरे लोगों को जाने दे। बाइबल बताती है पहले के समय में वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे। बादशाह ने कहा नहीं, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन परमेश्वर उसके बाद मिस्र में ऐसी ऐसी तकलीफ में ऐसी ऐसी विपत्तियां भेजी कि आखिर उन्हें अंत में वो राजा टूट गया। उसने कहा जाओ तुम यहां से सब लोग, मुझे कोई नहीं चाहिए यहां पर। अब जानते हो जब लोग वहां से निकले, अब वो सब निकलने के बाद एक आगे आगे बढ़ रहे थे, तब बिल्कुल उनके सामने रास्ता खत्म हो गया क्योंकि सामने समुंदर आ गया। और जैसे उन्होंने देखा कि सामने समुंदर है तो उन्होंने क्या देखा, पीछे रथों की आवाज आ रही थी, घोड़ों की। उन्होंने क्या देखा, वो राजा वापस उन्हें गुलामी में लाने के लिए उनके पीछे पीछे आ रहा था, उन्हें चेस कर रहा था, उन्हें पकड़ रहा था। अब सोचो, सामने समुंदर, पीछे राजा और बीच में इज़राइल के लोग। अब वो लोग पैनिक हो गए, बोलिए पैनिक, हाँ, परेशान। अब वो लोग परेशान हो गए, और जब क्यों उन लोगों ने परेशानी में क्या किया, कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। वो मूसा को कहते हैं, हे मूसा, वहां पर कब्रें नहीं थी जो हमें मरने यहां ले आया। ओ, उनकी लैंग्वेज बड़े प्यारे लोग, बिल्कुल हमारी तरह। ओ, कुड़कुड़ा रहे थे। कभी कभी आप देखिए, हम लोग चर्च के अंदर हर रविवार हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम, प्रभु जिंदा है। सोमवार के दिन थोड़ी तकलीफ आएगी, प्रभु की तरह little inconvenience come true nature out होता है ना। कितने लोग हैं यहाँ पर मेरी तरह जो रविवार को आराधना करते हैं, सोमवार को कुड़कुड़ाते हैं। मैं पहला हूं इधर, कोई है मेरे साथ? एक, दो, तीन, चार, साढ़े चार, साढ़े पांच,
साढ़े छः, जिनके हाथ नीचे हैं प्रभु तुमसे बात करेगा कल. डोंट बी सुपर स्पिरिचुअल. कल लाइट बंद हो रही थी, कुड़कुड़ा रहे थे लोग. ये कुड़कुड़ाने का नया तरीका है, करिए है ना, ये नया तरीका है कुड़कुड़ाने का. अब ज्यादा बोलते नहीं है हम लोग सिर्फ इतना कर देते हैं, मतलब लाइट गई, इसका मतलब बारिश आई, इसका मतलब खाना सबको मिला मुझे नहीं. अब विश्वासी नए तरीके से कुड़कुड़ाते. यू नो द बाइबल सेज, उन लोगों ने कुड़कुड़ाना चालू किया, मूसा क्यों लाया हमें, उधर कब्रिस्तान नहीं था, उधर ही मार के गाड़ देता, इधर मरने के लिए क्यों लाया. और मूसा ने प्रभु को, मूसा एक बहुत अमेजिंग पर्सन था, लोग उसे परेशान करते थे, वो खुदा के पास जाता था, है ना. ऐसा होना चाहिए ना. आप जानते हो, मैं मैच्योर क्रिश्चियंस के लिए बात बोलूं, आप जानते हो जब वो मूसा को देखते थे कि हम उससे मांग रहे हैं, वो खुदा से मांगता, आप जानते हो वो कभी इस चीज को नहीं सीख पाए थे. वो मूसा के द्वारा परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचान पाए थे कि कैसे ये बंदा, हम इसे तंग करते हैं, ये खुदा के पास जाता है, फिर हम ये सब क्यों नहीं करते खुद ही. जब एक परमेश्वर के दास के साथ रहो ना, तो सीखो कि वो कैसे परमेश्वर के मार्गों को पहचानता है. ओ, अगर आप में से कोई उन दिनों में होता तो आपको ये नहीं देखना है कि खाना मंगाता कैसा है, आता कैसा है, आपको ये देखना चाहिए ये क्या करता है ऐसा कि इसके कहने पर ऊपर से खाना आता है. और उसे सीख लो और वो आप खुद भी करो. अंडरस्टैंड, लिसन टू मी, अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड. बाइबल बताती है मूसा परमेश्वर के मार्गों को पहचानता था, वो जानता था कि परमेश्वर कैसे मूव करता है. इसराइल के लोग सिर्फ चमत्कार देखते थे, ओ मन्ना गिर रहा है, यहोशू ये देखता था कौन कैसे ये खुदा से मांगता है, इसीलिए वो नेक्स्ट लीडर बना. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, किसी परमेश्वर के दास के साथ अगर आप मिल रहे हो, उसके जिंदगी से सीखो कि वो परमेश्वर के मार्गों को कैसे पहचानता है, उसे पता है कि परमेश्वर कैसे मूव करता है. अमेजिंग बात ये नहीं थी कि वो ऊपर से उस वो मन्ना गिरवाता था खुदा से. अमेजिंग बात ये थी कि जब लोग उसे परेशान करते थे, वो अपने घुटनों पर बैठ के खुदा से बात करता था. अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड, प्रभु के मार्गों को पहचानिए. एलिशा को देखिए, गहजी गया एक लड़के को जिंदा करने के लिए, लकड़ी रख के वापस आके कहता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन एलिशा जब जाता है तो वो उसे जिंदा करके लौटता है. जानते हो क्यों? आप पढ़ के देखिए, लिखा है एलिशा ने प्रार्थना की वहां, गहजी ने कोई प्रेयर नहीं की है. अगर आप पुराने विश्वासी हैं, अब आपका ध्यान चमत्कारों से हटाओ, अब परमेश्वर के मार्गों को समझो. अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड. इज़राइल के लोग चमत्कारों को जानते थे, लिखा है मूसा परमेश्वर की गति को पहचानता था. गति समझते, उसे पता होता था परमेश्वर कैसे चलता है. ये वो व्यक्ति है जिसने अपनी आंखों से पेड़ को जलते हुए देखा और देखा कि पेड़ खाक नहीं हो रहा. ये वो व्यक्ति है जिसके लिए प्रभु ने उसकी आवाज दी, हे मूसा, हे मूसा. ये वो व्यक्ति है जिसे लाल समुंदर दो भाग किया. ये वो व्यक्ति है जिसकी 120 साल के आंखों में भी कभी रोशनी कम नहीं हुई. ये वो व्यक्ति है जो ऊपर से मन्ना गिरवाता था, चट्टान से पानी निकालता था, उसके दोपहर में बादल चलता था, रात को अग्नि का खंभा चलता था. ये वो व्यक्ति है जिसने पूरे मिस्र को अंधेर करते हुए देखा था, उसके बाद भी, इतना देखने के बाद भी वो परमेश्वर से कहता था, मैं इन चीजों से संतुष्ट नहीं होने वाला, मैं आपको देखना चाहता हूं.
आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी. कोई है यहां पर जो ये कह सकता है, प्रभु आपने मेरे लिए बहुत चमत्कार किए हैं, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू सी यू लॉर्ड. मुझे आपके चमत्कार संतुष्ट नहीं कर सकते, मुझे एक ही चीज संतुष्ट कर सकती है, वो आप हैं. यू आर द वन हु सेटिस्फाइड मी. तूने उस स्त्री से कहा था, जो जल तू पी रही है उसे पी के तू प्यासी होगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी ना होगी. वो जल आप खुद थे प्रभु. यू आर द वॉटर ऑफ लाइफ. इस दुनिया में कोई चीज ब्रदर आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, ना पबजी, ना आईफोन 14, ना कोई रिश्ता, कोई भी चीज आपको संतुष्ट नहीं कर सकती. सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, संतुष्टि सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है. ओनली जीसस विल सेटिस्फाइड यू. यीशु ही एक मनुष्य को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है. संतुष्ट का मतलब समझते, जिस दिन आप परमेश्वर के प्रेम को जान लेंगे ना, जानते हो आपके साथ क्या होगा, आप लोगों से प्यार और आदर की उम्मीद खो दोगे. आई एम हैप्पी. क्यों? जीसस लव्स मी. यीशु मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए काफी है. जो भी लोग यहां बैठे हैं, अगर कोई आपसे बात न करे, कोई आपको मीटिंग के बाद जय मसीह न कहे, पादरी साहब आपके घर के पास से होके चले जाएं पर अंदर ना आए, अगर आपको ये बातें देखकर दुख होता है, तकलीफ होती है, आप नेगेटिव हो जाते हैं, ये साफ चिन्ह है कि अब तक आपने प्रभु के द्वारा संतुष्टि प्राप्त नहीं की है. जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को जानता है वो मनुष्यों से बहुत कम उम्मीद करता है. कोई आपको हंस रहा है, ही आप भी हंस रहे हैं. कोई आपको टेढ़ा आंसर दे रहा है, आप दुखी हो गए. मतलब लोग आपको चाहें तो खुश भी कर सकते हैं, आपको दुखी भी कर सकते हैं. मतलब आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में है. तुम चाहो तो मुझे खुश करो, तुम दुखी, दुखी खुश, खुश दुखी. क्या लाइफ है ये? हैंडीकैप की तरह वैसाखियों पे चल रहे हैं हम. मैं चर्च गया था, उसने मेरे से बात नहीं की, उसके लिए गए थे. एक बहन आई, उन्होंने कहा आज आराधना में मजा नहीं आया. मैंने बोला क्या हुआ? नहीं आज मजा नहीं आया, कुछ हो नहीं रहा था. अच्छा, हम आराधना तेरे मजे के लिए करते. मतलब मैं आराधना इसलिए करता हूं मैं आपको देखूं आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आराधना आपके मजे के लिए नहीं होती है बहन भाई, आराधना इसलिए होती है ताकि वो आनंद करे, वो खुशी मनाए. आपकी आराधना को सुन के, यू नो, मैं कभी कभी बिलीव करता हूं आपकी आराधना ऐसी होनी चाहिए जैसे आप आराधना कर रहे हैं, हे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर. वेट, आपकी आराधना ऐसी होनी चाहिए जब नीचे देखे ना परमेश्वर छत्तीसगढ़ में, और वो लोग देखे, वो देखे और कहे यार इनके स्वर भले फटे हुए हैं पर ये आत्मा से गा रहे हैं. और आपकी आराधना सुन सुन के पता है वो स्वरदूत जो वहां पर गा रहे थे पवित्र पवित्र, वो उनको कहे ए तुम लोग थोड़ा चुप करो, मेरे को इनकी आराधना तुमसे ज्यादा अच्छी लग रही है. आप जानते हो दैट इज वर्शिप. आप वर्शिप में क्या फील कर रहे हैं? मेरे बाल खड़े हुए नहीं, मैं गिर नहीं गया, मैं उठ नहीं गया, मुझे करंट नहीं लगा. ये वर्शिप नहीं है, ये फीलिंग्स हैं. फीलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट. जो शरीर में जीते हैं वो हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं चौड़ा हूं, मैं ये हूं, क्योंकि ये शरीर में जी रहे हैं. जो प्राणों में जिंदगी जीते हैं अंदर सोल में, वो हमेशा आपको कहेंगे मैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो प्राणों में जिंदगी जी रहे हैं. खुदा ने हमें शरीर और प्राणों में नहीं, प्रभु ने हमें आत्मा में जीने के लिए बुलाया है. ओ आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें. आप आराधना में क्या महसूस कर रहे हैं कहिए बाजू वाले को, महत्वपूर्ण नहीं है. हां आपकी आराधना के द्वारा प्रभु आनंद करना चाहिए.
ओ आपकी आराधना सुन के वो डांस करना चाहिए जब आप गा रहे हो सेनाओं का यहोवा और खुदा समुद्र को जिसने डुबा, ऐसे वो डांस करना चाहिए, सरदूत देखने चाहिए, अरे बाप रे क्या डांस करता है। लेट योर वर्शिप, आपकी आराधना परमेश्वर को डांस करवानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि हम आराधना में ये नहीं देखते कि मेरी आराधना खुदा तक पहुंच रही है क्या, हम सोचते हमें कितना मजा आ रहा है। Your focus must be Jesus. आपका जो ध्यान है वो यीशु होना चाहिए। आपको क्या मिलता है, कहिए हमें क्या मिलता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ बोलो, बाजू वाले को बोलो, ऐसे करिए, nothing। बोलो हमें क्या मिलता है, मुझे देख के ऐसे करो, मुझे क्या मिलता है, महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है उसे क्या मिला। ओ व्हाट ही विल गेट। हम लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, पापों की क्षमा पाके वापस पिक्चरों पे जाते हैं। हम लोग प्रभु से प्यार करते हैं, पापों की क्षमा है, फिर भी साइट में अफेयर है। कई लोग जो हैं वो यीशु में हैं, पाप क्षमा हो गए, अब नए पापों का अंबार लगा रहे हैं। जीसस इसीलिए नहीं मरा कि वो आपको माफ करके आपको छुट्टी दे दे, अब तुम्हें जो करना है करो। नो 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 नो। यशाया में लिखा है उसने अपना जीवन इसलिए दिया ताकि परमेश्वर अपना वंश वापस पाए। यीशु इसीलिए नहीं मरा कि आप बस जिए, यीशु इसीलिए मरा कि आप उसके लिए जिए। अंडरस्टैंड, हर जगह पे लोगों ने उसे निकाल दिया है। मैं एक प्रचारक को सुन रहा था, इज अ मैन फ्रॉम अमेरिका, वो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने कहा एंजॉय योर लाइफ, अपना अपने जिंदगी में आनंद करो। मैं सोच रहा था देखूं और क्या बोल रहा है, और बोलते 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 उन्होंने एक वचन बोला जिसमें उन्होंने कहा यीशु तुम्हारे लिए मरा ताकि तुम जियो, यीशु तुम्हारे लिए मरा तुम जियो, और सब बाइबल न पढ़ने वाले लोग जम मार रहे थे। आमीन, मोटिवेट चलती हुई सभा में खड़े होके उसको आमीन आमीन बोल रहे थे। आपको पता है देयर इज नो सच स्टेटमेंट इन होल बाइबल, पूरी बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जिसमें लिखा है कि यीशु मरा ताकि तुम जियो। आप पढ़ के देखिए, हर जगह पर उसको निकाल दिया जाता है। हमारी बाइबल में लिखा है वो इसलिए मरा ताकि तुम उसके लिए जियो। लिव फॉर हिम, आपके जिंदगी का हर डिसीजन उसको देख कर ले। आपकी जिंदगी में किसी से बात कर रहे हैं, ये देखिए कि वो आपकी बातचीत देख रहा है। आपका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब इससे डिजाइन होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। इसे ही कहते हैं उसकी प्रेजेंस में जीना। अब इज़राइली कहां आ गए, कहिए लाल समुंदर। अब जैसे वो लाल समुंदर के सामने आ गए, ओ कुड़कुड़ाने लग गए, मूसा काय कर तो तुम्ही, क्या कर रहा है तू, समझ में नहीं आ रहा है तुझे, यहां क्यों लेकर आया। आई एम सॉरी, यहां मैंने थोड़ा मराठी बोल दिया, क्या कर रहा है तू। अब मूसा बेचारा प्रभु के पास जाता है, वो कभी कभी इतना परेशान हो जाता था, वो प्रार्थना ऐसे करता था, क्या ये लोग मेरे पेट से जन्मे हैं, मैं इतना बर्दाश्त करूं इन्हें। कभी कभी वो ऐसा बोलता था मैं इतना बर्दाश्त तो मैंने खुद के बच्चों को भी नहीं किया था, ये लोग क्या मेरे पेट से जन्मे हैं कि मैं इनको उठाए चलूं इतना। परमेश्वर ने जब मूसा को देखा कि प्रभु मूसा के सामने रो रहा है, प्रभु ने उससे कहा सुन मुझसे बात मत कर, एक काम कर, लकड़ी ले और समुद्र में मार। आप जानते हैं लाल समुद्र लकड़ी मारते ही दो भाग नहीं हुआ था, अगले दिन हुआ था। पूरी रात हवा चली थी। आप पढ़ के देखिए, कुछ लोग कहते हैं ओ लाठी मारी दो भाग हो गया, नहीं 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 सर, आप पढ़ के देखिए, नेक्स्ट डे हुआ है,
पूरी रात हवा चली, पुरवई चली, और अगले दिन तक जब पूरा लाल समुंदर दो भाग हो गया, और आपको पता है क्या हुआ, उसके बाद वो लोग उसके आर पार चले गए अंदर ही अंदर। एक सवाल पूछूं आपसे, दो लोगों ने यस बोला, एक सवाल पूछूं, सोचो अगर इसराइलियों के पास लाल समुंदर पार करते हुए मोबाइल होता तो क्या होता। मैं आपको लिख के देता हूं, आज तक वो क्रॉस नहीं कर पाते। वन फोटो विद मोसेस, वन फैमिली फोटो, वन फोटो विद जोशुआ, और जब फिरौन आ जाता उसको बोलता एक फोटो तेरे साथ भी। धन्यवाद हो प्रभु का कि इसराइलियों के पास मोबाइल नहीं था, है ना, नहीं तो वो आज तक क्रॉस नहीं कर पाते, खड़े हो जाते। ओ बहने तो बहने खड़ी हो जाती, मूसा मूसा एक मिनट, अरे हमको निकलना है। हाँ निकलेंगे ना, जा रहे हैं ना, फोटो ले ले एक, एक फिर फैमिली फोटो, फिर चलते हुए पानी वाला फोटो, अलग फोटो, ये फोटो वो फोटो। कहिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि इसराइलियों के समय फोन नहीं था। एक बार मैं कहां पर था, एक बंदे ने मुझे बोला फोटो निकालना है आपके साथ, मैंने कहा चलो। फिर उसको देख के कोई और भी आया, अब मैंने देखा कि सब लोग आ गए फोटो निकालने के लिए, फोटो निकालना है, फोटो निकालना है, फोटो निकालना है। एक बंदे ने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा फोटो के लिए, हाथ सूज गया मेरा, उससे मुझे ऐसा बोला मुझे आपके साथ फोटो निकालना है। मैंने बोला फोटो निकालना, मार क्यों रहा है तू मुझे। बोला नहीं मुझे लगा आप जा रहे हो। यहां देखिए, फोटो निकालने से कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे मैं निकालूंगा, मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा। अगर आप कहोगे ब्रदर मेमोरी के लिए निकालना है, ठीक है, लेकिन याद रखिए फोटो निकालने से कुछ नहीं होगा। एक परमेश्वर के दास के अभिषेक के पीछे जाओ, आप आशीषित होंगे, यू विल बी ब्लेस्ड। मुझे बताइए एलिशा एलिया के पीछे क्यों था, सेल्फी लेने के लिए? एलिया आगे आगे बढ़ रहा था, एलिशा ओ भैया रुक जा एक, उसके पीछे क्यों था, उसके दुगने अभिषेक को पाने के लिए वो उसके पीछे था। एक परमेश्वर के दास के अभिषेक के लिए आइए, फोटो निकाल के कुछ नहीं होने वाला। भैया मैं आपका फैन हूं, फैन ट्यूबलाइट बल्ब बनने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपका फैन हूं, क्या होगा मुझे बताओ फैन बन के। यीशु ने कहा उसके चेले बनो। आजकल फैन फॉलोइंग बोलते हैं, ओ आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, मुझे आज तक समझ में नहीं आता ये फैन पंखे ट्यूबलाइट आए कहां से आखिर। बोलिए फैन नहीं बनना है, बोलिए ट्यूबलाइट नहीं बननी है, हाँ बोलो बल्ब नहीं बनना है, बोलो उसके पीछे चलना है। यस, आप एक ही व्यक्ति के फैन होने चाहिए और वो जीसस होना चाहिए, और किसी के फैन मत बनिए, राइट? ये मत सोचिए कि मैं हाथ रखूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा तो ही होगा। आप विश्वास कीजिए, आप और मैं सेम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिससे मैं प्रार्थना करता हूं उससे आप भी प्रार्थना करके पा सकते हैं। और कभी ये मत सोचिए कि पास्टर प्रार्थना करता है वो ज्यादा सामर्थ्य होती है और मुझे प्रार्थना करने नहीं आती है। मेरी बहनों क्या आपने देखा है, मेरे भाइयों क्या आपने देखा है, घर पे जो छोटा होता है जिसे बोलना नहीं आता खाना उससे पहले मिलता है। आप देखिए हम लोग बैठे रहते हैं, खाना हाँ ला रही हूं बैठो, वो जो छोटू अरे मेरा बबू बबू तू आ जा पहले खा, और हम लोग देखते रहते कमा मैं रहा हूं खाना उससे पहले मिल रहा है, और आप उसको बोल के देखो आंटी को उसको क्यों पहले दे रही है, तुम बैठो।
ये मत सोचिए कि आप परफेक्ट बनेंगे, डेकोरेशन करेंगे, प्रार्थना 10 वचन डालेंगे तो ही खुदा सुनेगा। मैंने कभी कभी देखा है घर के अंदर जो बोलना नहीं जानते ना, खाना उन्हें पहले मिल जाता है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं आपको कि आप प्रार्थना मत सीखो, बिल्कुल सीखो, लेकिन ये विश्वास निकाल दो कि वो प्रार्थना करेगा तो सुनी जाएगी, ये प्रार्थना करेगा तो सुनी जाएगी। अपने हाथ को उठाइए, कहिए प्रार्थना करने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, कहिए प्रार्थना सुनने वाला महत्वपूर्ण है। यस, जो प्रार्थना सुने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, देखो वो बहन बिचारी पीछे पीछे बोल रही है मेरे, वेरी गुड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही बढ़ो। अब लाल समुंदर दो भाग हो गया, जानते हो उसने क्या किया, टच, लकड़ी मारी और अगले दिन जैसे जैसे पानी हटता गया वो आगे आगे बढ़ते गए और पार हो गए। फिर वो उस तरफ पहुंचे, एक टाइम ऐसा आया मूसा मर गया, अब पूरी जिम्मेदारी यहोशू पे आ गई, और जब यहोशू उन्हें इज़राइल अंदर लेके जा रहा था तब इज़राइल से पहले एक देश आता है जिसको कहते हैं यर्दन, जॉर्डन। कुछ लोगों को लगता है जॉर्डन इज़राइल के अंदर है, नहीं, जॉर्डन अलग है। जॉर्डन जाने के लिए अलग वीजा लगता है, इज़राइल जाने के लिए अलग वीजा लगता है। अब इन्हें यर्दन जाना था, यर्दन में पानी था, रिवर थी, ये वही रिवर है जहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, ये वही रिवर है जहां पर कोरह वंशी गीत गाते थे। अब एक रिवर आ गई, आप जानते हैं जब यहोशू के सामने वो रिवर आई तब यहोशू ने मूसा की लाठी नहीं ढूंढी। अरे कहां गई वो लाठी जिससे समुंदर दो भाग किया गया। हमेशा याद रखिए, गॉड इज नॉट विथ ट्रेडिशंस, गॉड इज विथ हिज वर्ड। परमेश्वर परंपराओं के साथ काम नहीं करता, परमेश्वर अपने वचन के साथ काम करता है। मूसा ने जो लठ यूज की उस लठ को उसने नहीं ढूंढा, कहां है वो लकड़ी, दो मुझे मैं मारूंगा। नो, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल हो सकते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बाइबल में बच्चों के बपतिस्मे के बारे में कहां लिखा है, शो मी। एक भाई मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा मुझे बच्चों के बपतिस्मे पर आर्टिकल लिख के दो। मैंने कहा जरूर, कितने पेज का चाहिए, 10 पेज का लिख के दो। मैंने कहा शाम को लेके जाना। शाम को आए, मैंने 10 पन्ने स्टेपलाइज करके रख दिए थे पेपर में डाल के, वो लेके गए। मैंने बाहर लिखा भी था चाइल्ड बैप्टिज्म। वो घर गए, उन्होंने खोला, कुछ लिखा ही नहीं था। मुझे कॉल करके बोला भैया कुछ लिखा क्यों नहीं है। मैंने कहा इसलिए क्योंकि बाइबल में भी नहीं लिखा है, क्या लिखूं है ही नहीं कुछ। मुझे बताइए बच्चों का बपतिस्मा कहां लिखा है, बताइए मुझे कहां लिखा है। दशमांश न देने पे दंड आता है, दंड, बोलिए दंड। मेरे भाइयों यहां देखो, परमेश्वर ने अगर तुम्हें दंड देना शुरू किया ना, उड़ जाएंगे इधर से, हम खत्म हो जाओगे आप और मैं। आपको पता है वो कभी दंड नहीं देता, वो हमेशा सिर्फ आपको करेक्ट करता है। परमेश्वर कभी किसी को पनिश नहीं करता। क्यों भैया वो हमें दंड क्यों नहीं देता, क्योंकि 2023 साल पहले उसने अपने पुत्र को क्रूस पे दंड दे दिया है। आप में से कोई उसके दंड को, दाऊद कहता है यदि तू हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करे तो तेरे सामने कौन धर्मी ठहरेगा। कई सारे जो लोग हैं वो जो बोलते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ कहां लिखा है ये सब। शनिवार के दिन ही आराधना करनी चाहिए, बताओ किधर लिखा है। एक भाई आया, उसने कहा आप कब कब मिलते हैं। मैंने कहा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सब दिन मिलते हैं, और बता। नहीं, शनिवार के दिन जरूर करनी चाहिए आराधना। मैंने कहा कहां लिखा है, उसने कहा पुराने नियम में हर यहूदी शनिवार को मिलता था,
उसने मैंने उनको कहा वो यहूदी थे हम मसीह हैं। तो आप लोग कब मिलते हैं? रविवार को। रविवार को क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारी बाइबल कहती है रविवार सुबह वो मुर्दों से जी उठा था। कई सारे जो लोग हैं यहां वहां से बातें लेके, और हम लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते उनके घेरे में आ जाते है ना। एक बंदा कहता है अन्य भाषा मत बोलो। क्या बोलता है? अन्य भाषा मत बोलो, ये अन्य भाषा शैतान की तरफ से ऐसे बोलता है। ऐसी ऐसी बातें आ गई हैं। पत्रस में लिखा है अंत के दिनों में बहुत सारे लोग नए नए पाखंडों का उद्घाटन करेंगे। पढ़ा है आपने? कैची करो, कैची बनाओ, ऐसे करो। आपने देखा है ना जब कोई नई जगह लेता है तो कैची देता है, रिबन काटो। पत्रस में लिखा है अंत के दिनों में लोग रोज नए नए पाखंडों का उद्घाटन करेंगे। रोज अन्य भाषा मत बोलो। आई डोंट नो आप में से कितने लोग केनेथ ई हैगन को पहचानते हैं, अ फाउंडर ऑफ रेमा। आपको पता है जब वो अन्य भाषा बोलते थे लोग चंगे होते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती थी, लोग जो हैं स्वर्ग का अनुभव करते थे। और आज लोग फेमस होने के लिए, यू नो, मुंबई में एक कहावत है, पब्लिक सिटी चाहे नेगेटिव वे में आए या पॉजिटिव वे में आए, पब्लिक सिटी इज अ पब्लिक सिटी। ये उन लोगों में से हैं। अगर अन्य भाषा नहीं है तो मेरा एक सवाल है, वरदानों में एक वरदान अनुवाद का क्यों है? मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको हाथ जोड़ के एक बात बोलूं, मुझे किसी का डर नहीं है मैं, लेकिन आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, कृपया ऐसे पाखंडियों को सुनना बंद करें। कभी कभी लोग कहते हैं चर्च जाना जरूरी नहीं है, ऑनलाइन सुनो। मैं आपके सामने कहता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं हर रविवार और हर कभी चर्च जब लगती है मैं खुदा के हैकल में जाऊंगा। आप में से कोई भी, आपने देखा हम जूम मीटिंग में क्या बोलते हैं? आप में से कोई है यहां पर जो हमारी जूम मीटिंग्स में आता है? बाप रे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या आपने मुझे ये बोलते हुए सुना है? 100% सुना भी होगा कि जिस दिन आपकी चर्च है और उस दिन जूम मीटिंग है, पहले कहां जाना है? चर्च जाना है। आपको मेरी जूम मीटिंग अटेंड नहीं करनी है उस दिन, आप जाओ अपने चर्च में। आजकल नया पैटर्न है, चर्च मालूम है कैसे बनती है? दो लोग उसके कलीसिया में से लो, दो लोग इसकी कलीसिया में से लो, चार लोग उसके यहां से लो, आठ लोग उसके यहां से लो, हो गई चर्च। ये चर्च नहीं है, विश्वास कीजिए, जो लोग दूसरों को छोड़ सकते हैं वो एक दिन आपको भी छोड़ देंगे। आप जानते हैं द बाइबल से इस खुदा का कलाम कहता है जब यहूदा स्क्रोती की मौत होती है तो जानते हो वहां पर क्या लिखा है? पत्रस ने कहा हम एक ऐसे व्यक्ति को यहूदा की जगह देंगे जो पहले दिन से हमारे साथ है। किसी और का ग्रुप छोड़ के नहीं आया है, उसने कहा उन लोगों को यह पद मिलेगा जो पहले दिन से हमारे साथ हैं। उन दिनों में कोई दूसरा चर्च छोड़ के आया और एक और चर्च में मिनिस्ट्री करने लगा, ऐसा नहीं होता था। वो देखते थे कि पहला व्यक्ति कौन है जो स्टार्टिंग से हमारे साथ है, ऐसों को सेवा मिलती थी। आज पता है क्या होता है? अगर किसी को वर्शिप नहीं मिलती वो अपनी चर्च छोड़ के किसी और जगह पर चला जाता है कि मुझे यहां वर्शिप मिल जाएगी। देखा जाए तो तुम खुदा के लिए तो आए ही नहीं हो, तुम आते हो पदवी के लिए। अन्य भाषा नहीं बोलनी है और विश्वासी को विश्वासी से प्रार्थना नहीं करवानी चाहिए, ये टीचिंग चल रही है आजकल। पौलुस कहता है हर एक के लिए धन्यवाद और विनती की जाए, हर एक के लिए। हमें परमेश्वर ने
हमारे नॉन क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए, हमारी पुलिस के लिए, हमारी आर्मी के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए दुआ करने के लिए कही है, विश्वासियों के लिए मना करेगा? पहचानो किसके पीछे चल रहे हो। YouTube पे बहुत कचरा परोसा जा रहा है, मैं भी YouTube पे हूं, मैं कोई अपना पक्ष नहीं ले रहा हूं कि मुझे ही सुनो, नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो लोग हैं ना, पता है उनको, इन लोगों को कौन सुनता है? ऐसे लोगों को, कई अपने पास वाले से इनको एक ही व्यक्ति सुनता है जो अपने पास्टर से नाराज है। जो अपने पास्टर से नाराज है ना, ऐसे लोगों को यही लोग सुनते, चलो हमारा पास्टर तो है ही ऐसा, इसको ही सुनेंगे, और फिर वो आपको बताते हैं तुम्हारा पास्टर ऐसा, तुम्हारे पास, और आप सही है, बंद कीजिए, दूर हो जाइए, उन लोगों को सुनिए जो आपको धर्मी बनाएं, उन लोगों को सुनिए जो आपको खुदा के करीब ले जाएं, उन लोगों को सुनिए जो आपको परमेश्वर की आवाज सुनना सिखाएं, उन लोगों को सुनिए जो आपको यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें, ओ उन लोगों को सुनिए जो आपको खुदा के साथ चलना सिखाएं। बाइबल बताती है अंत के दिनों में सिखाने वालों की चमक आकाश जैसे होगी। द बाइबल सेज इन एंडिंग डेज टीचिंग मिनिस्ट्री विल बी शाइन। किसी को भी सुन लेते हैं, चलो फ्री बैठे हैं, चलो सुन लेते हैं, नो, परखो। कई वीडियोस मैं डिलीट कर चुका हूं अपने यूट्यूब से, जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने इसमें टीच किया है वो ठीक नहीं था, डिलीट कर दिए मैंने। लाखों व्यूज थे उस वीडियो के ऊपर, क्या करना है व्यूज का, लोग मिसलीड हो चलेगा। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था, घर जाके मैंने अपना वीडियो देखा, मुझे बहुत एरर दिखाई दिए, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने ये बात तो बोली ही नहीं जो मेरे मन में थी, अब लोग कुछ और समझेंगे। मैंने अपने लड़के को कॉल किया, अपने जो मेरे जो मीडिया संभालते हैं भैया, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा बेटा डिलीट दिस वीडियो, कोई गलत दिशा में चला जाएगा, हमें इतना संभलना है। आप जानते हो यहोशू ने लकड़ी नहीं ढूंढी, आप उसे जानते हो क्या किया, उसे प्रभु से कहा क्या करना है, प्रभु उसको कहता है सुन, वाचा का संदूक उठा, याचकों को दे, और याचक जो हैं वाचा का संदूक लेकर जैसे ही उनके पांव पानी में जाएंगे और जो नदी है वो दो भाग हो जाएगी। आप जानते हो, वेट वेट वेट, सुनिए मैं क्या समझाना चाहता हूं, सुनिए, जैसे ही उन्होंने, बाइबल बताती है पानी में अपने पांव डाले, लिखा है पानी जो बह रहा था वो थम गया। सुनिए यहां पर कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूं, सुनिए, लाल समुंदर दो भाग हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने पांव समुंदर में डाले, लेकिन यर्दन तब तक दो भाग नहीं हुई जब तक पांव नहीं गए। एक समय आता है जब परमेश्वर आप पे बहुत दया करता है, आपका फेथ हो ना हो आपके लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब परमेश्वर आपसे कहेगा बेटा मैंने बहुत दया दिखा दी, अब मैं तुझे विश्वास से जीना सिखाऊंगा। कैसे प्रभु? अब मैं कुछ करूंगा नहीं, अब मैं तुझे कहूंगा आगे बढ़ तू। सुनिए, एक टाइम ऐसा आता है जब समुंदर दो भाग होता है और खुदा कहता है चल आगे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जिंदगी में जब हालात खराब भी होंगे फिर भी परमेश्वर आपसे कहेगा आगे बढ़। प्रभु मुझे डर लग रहा है, डर के साथ आगे बढ़। मुझे डर लग रहा है प्रभु, नो, बढ़ आगे डर के। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग देखते नहीं है, जब तक समुंदर, जब तक तकलीफ नहीं जाती है तब तक हम खुश रहते हैं, दुखी रहते हैं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने ये सीख लिया है, अब चाहे हालात कैसे भी हों मैं चलता रहूंगा खुदा के साथ, आई विल वॉक विद गॉड। इसे कहते हैं विश्वास से जीना।
एक समय था जब प्रभु ने हम पे दया की, हमने मांगा भी नहीं, उससे बढ़कर दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब परमेश्वर अपने आप को स्टॉप कर देगा और वो आपको कहेगा आगे बढ़। प्रभु हालात खराब हैं, आगे बढ़, विश्वास से आगे बढ़, मैं हूं तेरे साथ, तू चल। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, यरदन दो भाग होगी। मेरी बहन, मेरे भाई, सुनिए, सब ठीक होने के बाद खुश मत रहिए, प्रभु को दिखाइए, भले ही सब खराब है पर मैं फिर भी खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। डोंट वेट, लिव बाय फेथ। कभी कभी समुंदर दो बाग करके खुदा कहता है चलो, लेकिन कुछ हालात तब तक नहीं बदलते जब तक परमेश्वर आपके आप उसके आगे आगे न चलो। आपने देखा जब काना नगर में दाखरस खत्म हुई तो वो लोग यीशु के पास आके कहते हैं इनकी दाखरस समाप्त हो गई है। उसने उन्हें क्या कहा, पानी भर दो। प्रभु दाखरस की जरूरत है, वो दाखरस नहीं, वो निर्देश दे रहा है, वो आज्ञा दे रहा है, ये करो। कई बार सॉल्यूशन आज्ञा मानने के बाद निकलता है। लिव बाय फेथ। कभी कभी वेट मत करो हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद मैं खुश रहूंगा। नो, परमेश्वर को दिखाओ, उसे प्रकट करो कि प्रभु भले ही तूफान है मैं सो जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने इस जिंदगी को जीना नहीं सीखा है, इसीलिए डिप्रेशन आपको मार रहा है, ख्याल आपको मार रहे हैं क्योंकि आपको आदत है सब ठीक होके खुश रहने की। नो, हमेशा ऐसा नहीं होगा। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां देखिए एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मुझे बताइए, आज जो तकलीफ है, चाहे पति शराबी है, जुआरी है, सांस आपको चर्च नहीं आने देती, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, तरह तरह की परीक्षाओं में पड़े हैं, पैसों की परीक्षा, बीमारी, बच्चा नहीं हो रहा, मुझे एक बात बताइए, आज जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो चली जाएगी, कल प्रॉब्लम नहीं आएगी, कल प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर जीवन भर ऐसे ही जिएंगे अपन, सब ठीक हो जाए धन्यवाद यीशु, और जब प्रॉब्लम है दुखी। ब्रदर, लिव बाय फेथ, विश्वास से जीना सीखो। लाल समुंदर बहुतों के जिंदगी में क्रॉस हो चुका है, हम में से अधिकतर लोग यहां पर विश्वासी हैं, अब हम में से बहुत सारे लोग यरदन पे खड़े हैं जहां पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा और आपको खुदा कहता है उसके बाद भी आगे बढ़, चल तू आगे, टेंशन मत ले, मैं हूं। परमेश्वर सिर्फ इस बात से खुश नहीं होता कि आप विश्वास करें कि वो है, वो इस बात से खुश होता है कि आप विश्वास करें वो है और वो अपनी सारी प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा। गॉड इज जस्ट नॉट हैप्पी बिकॉज यू बिलीव ही एग्जिस्ट। परमेश्वर सिर्फ इस बात से खुश नहीं होता है कि आप बिलीव करो हां प्रभु बैठा हुआ है, नो, आपको विश्वास होना चाहिए जो परमेश्वर ने मुझे कहा है मेरा परिवार उद्धार पाएगा, परमेश्वर ने मुझे कहा है मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार मसीह को स्वीकारेंगे, क्योंकि लिखा है यदि तू विश्वास करे तेरा घराना उद्धार पाएगा, प्रभु ने मुझे कहा है मैं वो देखूंगा। बाइबल बताती है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, बाइबल बताती है बीमार चंगे होंगे, बाइबल बताती है कि अगर हमारे ऊपर कोई जादू कर रहा है हम पर असर नहीं करेगा क्योंकि लिखा है याकूब के ऊपर कोई मंत्र नहीं चलता। यू मस्ट बिलीव कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो अपने समय में पूरा करेगा। लिव बाय फेथ, वेट मत करो सब ठीक होने का,
इंतजार मत करो। हम मेजॉरिटी क्रिश्चियंस पता है कैसे हैं, हम जब सब हालात ठीक होते हैं हम खुश हैं, हालात बुरे हैं हम अपसेट हैं। हम इस जिंदगी से कब बाहर आएंगे? मैंने इस जिंदगी के ऊपर बहुत पहले ओवरकम कर दिया था, प्रभु ने मुझे ग्रेस दी। मैं नहीं कहता हूं कि मैं परेशान नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परेशानी का ड्यूरेशन कम हो गया है। अब पहले मैं पूरा पूरा दिन परेशान रहता था, बाप रे। अब जैसे मैं परेशान हो जाता हूं मुझे पता है क्या करना है, मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर देता हूं प्रभु के वचन में कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, जो खुदा ने कहा वही होगा। लर्न टू डाइवर्ट, लर्न टू योर सेल्फ डाइवर्ट, अपने आप का अपना अपना ध्यान अलग करना सीखो। जब दाऊद गोलियत से लड़ने जा रहा था उसके भाइयों ने उसे बहुत बुरा बुरा कहा, राजा ने उससे कहा तू नहीं लड़ सकता तू बच्चा है, और दाऊद फिर भी गया वो जीता। बड़ी बात यह नहीं है कि दाऊद ने गोलियत को मारा, बड़ी बात यह है दाऊद जानता था मुझे किस तरफ ध्यान नहीं देना है। दाऊद जानता था कि मुझे किस तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको किसी ने कुछ कहा आप दो दो दिन लेके बैठ जाते हो, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को सांस ने ऐसा बोला, मेरे को पति ने ऐसा बोला, मेरे को पत्नी ने ऐसा बोला, अब क्या करना है? सुसाइड करना है? नहीं, मुझे ऐसा क्यों बोला? दो मिनट की बातचीत के लिए 23 घंटे खराब करते हो आप? हां बोलिए, चलेगा ना बैठ के बात करो। भैया आप बैठ क्यों गए हो? यीशु भी बैठ गया था एक जगह। ये मैंने प्रभु से सीखा है ना, प्रभु बैठ जाते थे। वो बैठते इसलिए थे क्योंकि वो अपने परिवार से बात करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहन, मुझे बताइए कितना समय तक किसी के ताना आप अपने दिल में रख के बैठते? आप खाना बना रहे थे, आपने अपनी सांस को बोला मम्मी ये बर्तन खराब हो गए हैं नए लेके आने चाहिए, और आपकी सांस ने बोला हाँ तू तो मां के घर से बहुत कुछ लाई थी ना, और आपको आपकी सांस ने प्यारा प्यारा ताना मारा। अब कितनी बहनें हैं मुझे बताइए, दो दो तीन तीन दिन तक आप उसे अंदर रखते हैं बैंक की तरह, जैसे बैंक आपको ब्याज भर के दे रही है इसका। रात को पति आएगा, आपकी शक्ल को देख के ही वो समझ जाता है कुछ हुआ है, और वो सीधा आपको के बोलेगा क्या हुआ? अपनी मां से पूछो, ठीक है मां क्या हुआ? बताया तो होगा उसने, मां सैंडविच बन रहा है मैं, हुआ क्या है बता, वो बोल रही है वो, ये बोल रही है वो, तुझे बताया होगा ना, जाओ वापस उसके पास, क्या हुआ? अब आप परेशान हो रहे हो, क्या हुआ? कितना भी करो क्या भी करो, आपकी मां कभी मुझे अप्रिशिएट करने वाली है ही नहीं। मैं क्यों आई? वो कौन सा दिन था मनहूस दिन जिस दिन मैं इस घर में आई? एक ताना मारा वो पूरे चांपा में घूम रहा है, एक ताना बर्दाश्त नहीं कर सकते अपन, एक ताना। धन्यवाद हो उसको, क्या क्या कहते थे लोग, दुष्ट आत्मा है, पेटू है, पेयक्कड़ है, बाल जबूल है, वो उनको ध्यान भी नहीं देता था क्योंकि वो जानता था ये लोग बोल रहे हैं ये सच नहीं है, सच वो है जो वो मेरे बारे में कहता है। दैट इज द ट्रुथ। चलो मैं आपको कहता हूं आप पे, आप भूत हो तो क्या आपको सींग आ गए? मैं आपको बोलता हूं आप स्वर्गदूत हो, आपको पंख आ गए? अरे हमारे बोलने से क्या होता है? अगर आपको कोई परेशान करता है ठंडा पानी लो, उसके सामने रखो, उसको बोलो बोल बोल और बोल, थक जाए पानी पी फिर से बोल, बोलता रहे, आप एंजॉय करो यीशु के साथ, गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आप बिलीव करो, जब मुझे कोई क्रिटिसाइज करता है ना मैं गीत गाता हूं। अगर आप मुझे कहोगे ना तू ऐसा है तू ऐसा है तू ऐसा है,
मैं आपके सामने गीत गाऊंगा, तो गाओ हालेलू, तू जल, मैं तुझे और जलाऊंगा। नहीं नहीं ये मत सीखो, मैं मजाक कर रहा हूं, कुछ कुछ चीजें मत सीखा करो। बोलो यीशु मसीह की, कहिए चाहे कुछ कैसा भी हो, मुझे आगे बढ़ते रहना है, मुझे खुश रहना है। कोई टाइम था मुझे बाइबल का सबसे डिफिकल्ट वर्ड जो फॉलो करने में लगता था, पता है वो कौन सा है? मुझे लगता था प्रभु इस वचन पे चलना बहुत कठिन है, और वो वचन है जो लोग ऐसे ही बोल देते, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं प्रभु को बोलता था ये बहुत कठिन है यार। आप सोचो आपको पैसों की जरूरत है और आप बॉस के पास जाके कहते हो मुझे सैलरी एक दिन पहले चाहिए, वो आपको बोलता है 2 तारीख से पहले नहीं मिलेगी, आप खुश हो सकते हो? आप वहां से निकले तो गाओ हालेलुया, आप घर जाओ आपकी पत्नी हालेलुया निकालेगी बरोबर आपका। आप बोलोगे हालेलुया, वो बोलेगी आलू लाया? गाओ हालेलुया, वेयर इज आलू? आलू लाया? नहीं, हालेलुया। झाड़ू पड़ेगी, झाड़ू, बोलो झाड़ू। इन दिनों में एक कंपनी लोहे के वेलन बना रही है। भाइयों बच करो, 29 को ही लाओ पगार। कहीं लोहे का बेलन पड़ गया ना ऊपर, सीधा आत्मा परमात्मा के पास। बोलिए खुश रहना है। यस, यू मस्ट बी हैप्पी। हैप्पी रहने के लिए फेथ चाहिए। चलो, अगर आप में से कोई ऐसा है जो कहता है ब्रदर मैं आपको सच बोलता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं विश्वास रखना चाहता हूं, पर मैं असमर्थ हूं, मुझसे नहीं हो पाता, अब मैं क्या करूं, मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है तो बच्चों की तरह प्रभु के पास जाइए और उससे कहिए मैं विश्वास करता हूं पर मेरे अविश्वास का भी उपाय कर, लॉर्ड प्लीज। यू नो, आप खुदा से ये कहिए, विश्वास कीजिए वो इतना दयालु है कि उस पर विश्वास करने के लिए भी वो आपको विश्वास देगा। आमीन। तो कितने लोग आज के बाद वेट करेंगे सब ठीक हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। मेरी बहन, मेरे भाई, जो आप सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप डरते रहते हो, ओ हर एंगल से सोचते रहते हो अगर ऐसा नहीं, ऐसा बंद कर तो सोचना, उसके साथ चलते रहो। जैसे जैसे उसके साथ आगे बढ़ोगे, ओ अपनी आंखों से आप देखोगे कैसे पानी थम जाता है। मेरे एक फ्रेंड हैं, बड़े ईमानदार हैं वो, प्रभु उनको बहुत आशीष दे, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने एक बैंक से कर्जा लिया था लेकिन वो टाइम पे चुका नहीं पाए, और आप जानते होंगे बैंक जब्ती करती है। अगर आप बैंक को बोलोगे ना पैसा नहीं है, अपने मान जाते हैं, बैंक नहीं मानती। बैंक आपकी चीजों को उठाना स्टार्ट करती है, गाड़ी, घर सील कर देंगे। उनके ऊपर बहुत कर्जा था बैंक का। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मैं पैसे चुकाना चाहता हूं पर मेरे पास है नहीं। आपको पता है कुछ दिनों के बाद वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे कि जिस बैंक से उन्होंने पैसे लिए थे वो बैंक बंद हो गया, दिवाला दे दिया। जानते हो प्रभु ने उनको क्या कहा? जब तक तेरे पास पैसा नहीं आएगा बैंक नहीं खुलेगा। बिलीव मी, प्रभु ने उन्हें कहा जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा बैंक नहीं खोलेगा। 3 साल 4 साल उन्होंने बहुत मेहनत की, पैसा कमाया, अभी कुछ समय पहले वो बैंक खुला है।
अब वो चुका रहे, वो हमारा परमेश्वर है। ओके, ये उनके लिए हुआ था, आपके लिए नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप भी प्रार्थना करो प्रभु मेरा बैंक भी बंद हो जाए, नहीं नहीं, वो आपके उल्टा घर के बाजू में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, डोंट डू दिस। आइए, मैं चाहता हूं हम सब अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ओ आई वर्शिप यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, जो लोग खड़े हो गए, कम ऑन, शांत हो जाइए और कहिए मेरे पीछे, प्रभु मुझे विश्वास से जीना सिखा, मुझे तेरे वचन पर निहारना सिखा, आशा रखना सिखा, तेरे वचन पर उम्मीद रखना सिखा। मैं दुआ करता हूं, मैं दुआ करती हूं, मुझे तब भी विश्वास करना सिखा जब हालात बदले हुए हों। धन्यवाद आपने लाल समुंदर दो भाग किया, अब मुझे यर्दन पार करना सिखा। मुझे आशीष दे, मुझ पर दया कर, यीशु के नाम में।